ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? हेलो आकांक्षा, चांदनी, हर्षिता, आवाज आ रही है मेरी? हेलो यस सर। ओके ओके ठीक है। ओके तो लास्ट टाइम हम लोग ने अनाउंस किया था ना, आई थिंक रूल सब लोग ने किए है ना, हु आर नॉट देयर फॉर द लास्ट लेक्चर, यू आर नॉट देयर, यू आर नॉट देयर, ऑनलाइन हो गया ना आपका, यू आर देयर, ओके नॉट देयर ना, द लास्ट टू लेक्चर्स वी हैड डन सर्टेन रूल्स, सो आई विल जस्ट बी वही रूल्स के ऊपर कुछ एरर स्पॉटिंग करेंगे। ओके अच्छा, आई डोंट नो क्योंकि मैंने ना एक्चुअली रैंडमली सेंटेंसेस दिए थे, जस्ट टेल मी ये वाला किया है कि नहीं, द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, ओके, ऑल इज सिस्टर इन लॉस, नहीं ना, ओके विल डू इन दिस वे, अगर आंसर आएगा ना तो जस्ट रेज योर हैंड, तो मुझे आइडिया आ जाएगा कितने जन को आंसर आ रहे हैं, रैंडमली आंसर मत बोलो। ओके वन गुड, ऑल योर सिस्टर इन लॉज आर वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग, ऑफ कोर्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन गिव अ ट्राई, ऑफलाइन खाली जस्ट हाथ ऊपर करो, टू पर्सन, थ्री, फोर, फाइव, इस ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट किया था लास्ट लेक्चर में, गिव अ ट्राई, सिस्टर्स एस किधर आएगा? ओके कंपाउंड नाउन किया था हम लोग ने लास्ट लेक्चर में, I'll just revise the things along with the sentence, क्योंकि फिर आपका भी एक रिविजन हो जाएगा, ओके? क्या आएगा फर्स्ट, सिस्टर इन लॉ का प्लूरल? सिस्टर्स इन लॉ, और मेड सर्वेंट का एस किसके साथ आएगा? मेड सर्वेंट्स, व्हाई सो, व्हाई सो, क्यों ऐसे क्यों, मेड सर्वेंट्स, ऐसे क्यों किया, एक छोटा सा थिंग है, एस का पोजीशन चेंज क्यों हो गया? अच्छा पॉजिटिव केस हो जाएगा, अच्छा पॉजिटिव केस भी बताता हूँ, आई टेल यू द पॉजिटिव केस आल्सो, एनीवन एल्स वुड लाइक टू ट्राई, एस का प्लेस क्यों चेंज हो गया उधर? हाँ जो दोनों में से मोर प्रोमिनेंट वर्ड है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, जैसे सिस्टर इन लॉ में ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट सिस्टर है ना, इसलिए एस इसके साथ आ गया, मेड सर्वेंट में द मोर प्रोमिनेंट द मोर इम्पोर्टेंट वर्ड इज सर्वेंट, ओके इसका पॉजिटिव केस कैसा बनेगा, जैसा सिस्टर इन लॉ की डॉटर है तो, या मेड सर्वेंट की डॉटर है, लॉज के साथ ऐसा आएगा, और मेड सर्वेंट डॉटर,
अगर मेड सर्वेंट, मेरी मेड सर्वेंट उसकी डॉटर की शादी में जाना है तो मैं कैसे बोलूंगा? वो मेड सर्वेंट्स एंड द फर्स्ट वन विल बी, ठीक है? तो पॉजिटिव केस में हमेशा एस एंड में रहेगा अलोंग विद द एपोस्ट्रोफी, ऑफ कोर्स एपोस्ट्रोफी देना कंपलसरी है, और इसमें प्लूरल में चेंज हो गया इसका पोजीशन. ओके, क्यों चेंज हो रहा है? ये जो प्रोमिनेंट वर्ड है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड, अकॉर्डिंग टू दैट दिस विल चेंज, बट हियर यू विल ऑलवेज रिमेन विद द सेकंड वाला नाउन. ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये एरर इधर ही है, इट शुड बी सिस्टर्स. Finished. Sir, yes, can you turn the camera's light a bit from your left? Okay, the left. Okay, I'll do one thing. I'll just read it again. Just give me a second. Either say it's okay. You can see my hand. Yeah. Yes, sir. Okay. Thank you. Okay, again, just raise your hands, sir. अगर आपको मिलेगा, ask for online, offline students. 1, 2, 3, 4. Okay, good. One, two, three, four, five, six. Okay, online students, there are two errors in this. There are two errors in this. Dono mile? Good. This online people, give a try. दोनों ओके, वन और टू, हाउ मेनी ऑफ यू हैव टू एरर्स? बोथ ऑफ यू, यू आल्सो गॉट बोथ?
Nandi, which one? One or two? Yeah, one. Okay, who will tell? Bolo, first take hai, at least tell one. So, what? Kyun aise? Singular hai. Noun, pronoun plus noun. Okay, pronoun. Achha, you want to say something, bolo? You don't know the... Yes. Or practice mein plural or CCC. Okay, main ek ek discuss karta hoon. ये सेंटेंस मैंने लिखा है करेक्ट है डेज बाय डेज इज गेटिंग लेजी डे बाय डे बोलते हैं ना हम लोग डे बाय डे जैसे दिन बीतते हैं और लेजी होता है ठीक है तो ये व्हाट शी सेड इज एग्जैक्टली राइट जब भी नाउन होता है उसके बाद प्रीपोजिशन है एंड अगेन इट इज फॉलोड बाय नाउन तो जब भी आपका ये स्ट्रक्चर रहेगा ना तो बोथ नाउन्स विल बी सिंगुलर दिस नाउन ऑल्सो विल बी सिंगुलर जैसे डे आफ्टर डे बोलते हैं हम लोग डेज आफ्टर डेज बोलते हैं व्हाट डू वी से डे आफ्टर डे ना तो दैट बोथ द नाउन्स विल बी सिंगुलर तो सेम रूल विल अप्लाई और ये मेरा प्रीपोजिशन है ना इधर एंड दिस इज माय नाउन वन एंड दिस इज माय नाउन टू तो बोथ द नाउन्स विल बी सिंगुलर वुमेन का सिंगुलर वुमेन का सिंगुलर वुमन तो इधर वुमन आएगा इधर भी वो मन आएगा तो ये स्ट्रक्चर याद रखो अच्छा ये लिख लो बाद में डिस्कस सेकंड वन बिकॉज हाफ ऑफ देम आर राइटिंग Finished? Okay, now tell me what is इसने बोला ये गलत है ना अच्छा और कुछ है क्या apart from this he is saying that practice is wrong aur kuch error hai practice is wrong kya difference hai which is verb which is a noun first one is noun sc wala verb form hai और ये नाउ लाइक ही इज प्रैक्टिसिंग क्रिकेट तो तभी कौन सा स्पेलिंग आएगा ही इज प्रैक्टिसिंग क्रिकेट ऐसा आएगा क्योंकि आईएनजी चाहिए ना मुझे वर्ब फॉर्म चाहिए और इधर स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी दिस इज सम नाउन ना डाउरी के लिए कुछ नाम है तो इट शुड बी सीई ओके नॉट एसई नाउन फॉर्म चाहिए मुझे वर्ब फॉर्म नहीं चाहिए ओके You want a sketch pen marker? Okay, you're done. This also should be easy one. To khali haath upar karo. I think Moshe will get this again.
ये स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे बहुत बहुत जन को कमेंट मिला रहेगा. Just raise your hand if you get it. This will be easy. 1, 2, 3. Just raise your hand. 4, 5, 6. Check your try. अरे यू गिव द आंसर ना, बोलो बोलो, चलेगा रॉन्ग रहेगा तो भी. दैट इज फॉर अ प्रोनाउन. देन प्रोनाउन कौन सा यूज किया है? नहीं नहीं, अच्छा वो प्रोनाउन वाला अलग रूल है. जब मुझे पॉजिटिव केस दिखाना है, लाइक ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क ना, तो हिज क्या हो गया? पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया ना, इसका काम है. तो पॉजिटिव केस में यूज होगा, इसमें नहीं यूज होगा. और One of the problems. Correct? Why so? One of the rega. Many of the. Each of the. Either of the, ये सब जैसे आएंगे तो हमेशा जो सब रहेगा okay, all these phrases are followed by a plural subject. So either one of the problems आएगा. Done. I visited Ram's and Sita's house, three eyes, but found the couple absent. One, two, three, four, five. This side. मिला. अच्छा यू गिव अ ट्राई. चलो राम के साथ एपिसोड नहीं आएगा. ऑल ऑफ यू एग्री? क्यों? हाँ, पॉजिटिव केस किया था ना हम लोग ने. आई विल जस्ट रिवाइज दैट इन शॉर्ट. ओके, पहले केस ऑफ एपोजिशन क्या होता है मुझे बताओ. इफ यू रिकलेक्ट, केस ऑफ एपोजिशन होता है क्या होता है? एनीबडी रिकलेक्ट्स?
यस और नो यू आर सेइंग नहीं केस ऑफ अपोजिशन इट्स नॉट पोजिशन हाँ ब्लड रिलेशन यस एंड टू दो है ना एक तो ब्लड रिलेशन दूसरा क्या है राहुल राहुल द डॉक्टर फिर व्हाट अच्छा ये क्या है ये अपोजिशन है या नहीं है केस ऑफ अपोजिशन है या नहीं है क्यों हाँ क्योंकि इसमें राहुल और डॉक्टर एक ही पर्सन को बुलाने के लिए बोला है ना राहुल इज इंडिकेटिंग द सेम पर्सन डॉक्टर भी सेम पर्सन है ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं केस ऑफ अपोजिशन ओके व्हेन एक ही चीज के लिए हम अलग अलग दो अलग नाउन्स यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज केस ऑफ अपोजिशन और फिर दूसरा ये तो एक पॉइंट हो गया दूसरा कौन सा हो गया ब्लड रिलेशन जैसे ऐसे मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता अगर मैं ऐसे बोलता हूँ उसका मतलब क्या है ऑफ कोर्स दे आर मैरिड ना एंड दे आर हैविंग अ ब्लड रिलेशन तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं केस ऑफ अपोजिशन समझ में आया तो केस ऑफ अपोजिशन क्या होता है आइदर जब ब्लड रिलेशन हो या फिर एक ही पर्सन के लिए हम लोग दो अलग अलग नाउन्स दैट इज कॉल्ड एज केस ऑफ अपोजिशन तो इसमें केस ऑफ अपोजिशन है या नहीं है केस ऑफ अपोजिशन है ना एक मिनट दिस ऑफिस बिलोंग्स टू रोहित एंड राहुल अगर इसको मुझे पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है तो हाउ विल आई राइट दैट ये पॉजिटिव फॉर्म में दिखाना है मुझे ने पोजेसिव हाँ बोलो दिस इज अभी एपोस्ट्रोफी किधर दूं बताओ मुझे राहुल के साथ क्यों रोहित अच्छा नहीं लगता किसी को भी ऐसे क्यों दोनों का अच्छा ये जो मैंने लेफ्ट साइड में सेंटेंस लिखे और राइट साइड में सेंटेंस लिखे उसमें कोई डिफरेंस है एनी डिफरेंस बिटवीन दैट जो लेफ्ट साइड के दो है और वो राइट साइड का एक है क्या डिफरेंस है बोलो हाँ एक ही पर्सन के लिए दो नाउन यूज किए तो इतना घुमा फिरा के बोलो सिंपल बोलो ये केस ऑफ अपोजिशन है वो केस ऑफ अपोजिशन नहीं है ना ये दोनों क्या है केस ऑफ अपोजिशन है उसमें नहीं है ना राहुल एंड रोहित दे कैन बी फ्रेंड they can be neighbors they can be brothers also but I am not sure to ye case of apposition definitely nahi hai samajh mein aaya ye to case of apposition mein hum log ne kya kiya second wale ke sath deta hai ab isme rohit and rahul dono ka office hai na to mujhe apostrophe dono ke sath dena padega simple reason it is not a case of apposition to office mein dono ka utna equal kya bolega equal hak rahega equal partnership rahega to wo equal partnership denote karne ke liye mujhe dono ke samajh mein aaya to agar case of apposition nahi hai to dono ka possessive dikhane ke liye apostrophe दोनों के साथ देना पड़ेगा समझ में आया और अगर केस ऑफ अपोजिशन है तो जस्ट एक के साथ जैसे इसमें केस ऑफ अपोजिशन है कैसे पता चला हाँ कपल है तो दैट्स व्हाई इधर केदर आएगा अपोस्ट्रोफी ओनली विद द सेकंड नाउन समझ में आया ऑल ऑफ यू गॉट दिस तो सिंपल बात है अगर केस ऑफ अपोजिशन होता है तो जो सेकंड नाउन होता है ना उसके साथ ही हम लोग अपोस्ट्रोफी देते हैं और अगर केस ऑफ अपोजिशन नहीं है तो दोनों नाउन के साथ देना पड़ेगा ओके अच्छा इधर ये वर्ड कपल नहीं रहता था तुम सपोज तो भी आप दोनों के एक के साथ देते थे फिर दोनों के साथ देते थे व्हाई हाँ कभी पे मेंशन नहीं उनका रिलेशन कुछ मेंशन नहीं किया ना तो आई विल नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वो लोग हस्बैंड एंड वाइफ ही रहेंगे तो दैट टाइम मुझे राम एंड सीता दोनों को देना पड़ेगा कभी अगर ये वर्ड कपल नहीं रहेगा तो लेकिन सिंस कपल मेंशन किया तो एक के साथ ही दूंगा समझ में आया
डन हो गया. I like your suggestion and nobody's else. One or Mila? Two. I mean, even if you don't know the rule, थोड़ा वो पढ़ने को भी थोड़ा अटपटा लग रहा है. Three. Online people, no answers. Bolo, give a try. Kidhar you? Acha, your suggestion? Nahi, your suggestion hi hoga na? Nobody. पॉजिटिव केस है क्या नहीं है इसमें पहले बताओ. इस सेंटेंस में पॉजिटिव केस बोला गया है नहीं बोला गया? नहीं है. सजेशन किसका है? योर सजेशन एंड नोबडी एल्स. ये भी नोबडी एल्स. सेंटेंस का मतलब क्या होता है? मुझे खाली आपका सजेशन अच्छा लगता है और किसी का भी नहीं ना, तो किसी का क्या अच्छा नहीं लगता? सजेशन ना. दैट मीन नोबडी एल्स का सजेशन है ना. तो पॉजिटिव कैसे? ठीक है, तो जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं somebody, anybody, nobody, तो पहले वाले नाउन के साथ नहीं, एल्सेस के साथ हम लोग देते हैं apostrophe. ओके, तो द apostrophe विल कम विद द सेकंड वाला नाउन. अगर जैसे मैं बोलता हूँ कॉल राहुल माय ब्रदर, तो इसमें मैं एक ही पर्सन को बुला रहा हूँ या दो अलग अलग है? राहुल भी वही है एंड माय ब्रदर भी वही है ना. तो जब मैं एक ही सेंटेंस में एक ही पर्सन को दो अलग अलग नामों से बुलाता हूँ, दैट बिकम्स अ केस ऑफ अपोजिशन. लाइक राहुल एंड ब्रदर आर वन एंड द सेम पर्सन, तो इसमें नहीं है केस ऑफ अपोजिशन. इसमें खाली पॉजिटिव है, क्योंकि ये सजेशन किसका है? वो कहना क्या चाहता है कि मुझे किसी का भी सजेशन अच्छा नहीं लगता, खाली आपका सजेशन अच्छा लगता है ना. तो सजेशन क्या पॉजिटिव हो गया ना, आपका सजेशन, तो वो सजेशन उनका है ना, तो दैट्स व्हाई पॉजिटिव हो जाएगा ये, अपोजिशन नहीं. डन.
चलो यू कैन नॉट मास्टर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विदाउट लर्निंग ऑल द फॉर्मूला दैट गवर्न दिस सब्जेक्ट्स ओके वन देयर टू एरर्स हां दो है टू द बी हैज गॉट वन और टू ओके Ashlesha, how much? Eight. Okay. One or two? Two. Both? Yeah, one. One. Aap ek bolo, ek hi bolo. Yes. Like all the hai na? करेक्ट ना ऐसे ही बोलते ना ऑल द बॉयज शुड कम बोलते ऑल द बॉयज शुड कम नहीं बोलते ना तो जब भी ऑल द आता है तो दैट इज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन तो फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूले होता है या फॉर्मूलाज होता है ओके क्योंकि ऑल द है तो उसके बाद पहला सिर्फ सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल ही आएगा द सेकेंड वन बोलो दिस इधर दो सब्जेक्ट की बात की गई है ना तो दिस सिंगुलर होता है And this, दो से ज्यादा होते तो हम लोग ये होते हैं दिस बॉयज एंड दिस बॉय ओके तो इधर दो सब्जेक्ट की बात की गई है तो ये और ये सब्जेक्ट भी है वैसे भी आगे तो दिस विल बी दिस The famous painter was awarded many accolades for his 5-year-old work of art. One, okay.
Only one person. Yellow. Okay. This side. Okay, so give it a try. Yes, Naina. Okay. Okay. पहले ये करेक्ट है या रॉन्ग है अक्लूड्स बाय मेनी है मेनी बॉयज ना मेनी बॉयज हैव नॉट कम क्या मेनी बॉय हैव नॉट कम व्हाट डू वी से बॉयज ना मेनी इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल सब्जेक्ट यस नहीं है एस नहीं आएगा इधर बाय हाँ लाइक क्या डालोगे फर्स्ट में सेकंड में आई बॉट इट फॉर 100 विद एस या विदाउट एस विद एस एंड सेकंड में 100 रुपी ना वी डोंट से 100 रुपीज नो ठीक है जब भी नंबर है ये मेजरिंग क्वांटिटीज है ना सब रुपीज एंड ऑल दैट जो भी नंबर है और आगे ऑब्जेक्ट है ना इसके आगे ऑब्जेक्ट है ना नोट तो तभी हम लोग एस नहीं जोड़ते ओके तो ये जो फाइव ईयर है इसके आगे ऑब्जेक्ट है ना वर्क ऑफ आर्ट है ना तो एस नहीं आएगा उसके साथ सिंपल थिंग ओके फाइव ईयर हो रहेगा फाइव ईयर्स नहीं होगा तो जब भी आगे ऑब्जेक्ट है यू विल नॉट ऐड एस टू दैट accolades prizes tarif karte na we praise somebody yeah praising your prize even if you get some what appreciation for something appreciation malum hai na you appreciated for something Done. That price may be in the physical form, या फिर जैसे तारीफ करते ना वो दोनों अगर फिजिकल फॉर्म में भी कुछ ट्रॉफी हो गया that is also considered as accolade, या फिर किसी का मैं तारीफ करता हूँ very well done and all that is also considered as accolade दोनों. Down and out. सर एक ही बात क्या लिख हैव दिस वन ना हैव द वैद्यास हैव बीन लिविंग सिंस अ डेकेड डी ई सी ए डी ई डेकेड यानी 10 इयर्स वन टू Okay, one thing, मैंने भूल गया इधर क्वेश्चन में एक्चुअली इधर apostrophe है जस्ट पुट apostrophe ओवर हियर मैं देखा नहीं एक विद्यास
sorry, just put an apostrophe because question mein ye hai. I just overlooked that thing. The Vedas have been living here since a decade. Again, there are two errors in this. Control. Chandni, bolo, give a try. Mila, bolo. S nahi aayega, okay. Aur dusra wala mila. Dusra wala to hum log ne bahut baar discuss kiya lecture mein. Maine mujhe to ye jitne aate do ya teen baar ki hai. Okay, bolo. Haan. अच्छा पहले ये पॉजिटिव केस है क्या बताऊं इसमें कुछ पॉजिटिव बता रहा है यस पॉजिटिव केस राइट यस लिखा हुआ है लेकिन नहीं वो तो मैंने एपोस्ट्रोफी दिया लेकिन पॉजिटिव केस हो रहा है लेकिन से अगर ऐसा वैद्य क्या है पहले वो तो बताओ वैद्य क्या है इट्स अ सरनेम फैमिली है ना तो अगर वैद्यस हाउस यानी मिस्टर वैद्यस हाउस यार मिस्टर वैद्यस कार तो ये जो दो थिंग्स लिखे फ्रीज लिखे उसमें पॉजिटिव केस है या नहीं है इसमें पोजीशन बता रहा है डेफिनेटली ये घर उनका है ये कार इसकी है इसलिए मैंने एपोस्ट्रोफी दिया इसमें वैसे कुछ पोजीशन दिखा रहा है वैद्य का कार या कुछ घर या मोबाइल ऐसा कुछ है नहीं है ना तो देयर इज नो नीड टू गिव एपोस्ट्रोफी आई जस्ट सेड वैद्यस वी से द गुप्ता स्लीव ओवर देयर वी डोंट से गुप्ता के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं आते करेक्ट ना द नायर स्लीव वो नेम प्लेट भी बनाते ना द नायर्स वगैरह देखा रहेगा तो ये एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा इट विल ओनली बी द वैद्यस क्योंकि ये पॉजिटिव केस नहीं है This was the first. लिख लो पहला ये बाद में I'll tell you the second one also. Second one तो बोल दिया वैसे. Online people second one ये discuss किया है मैंने बहुत बार I think. सोचो तब तक. How many of you know the second error? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, give it a try. क्यों करेक्ट लेकिन क्यों यस वी आर डन दिस ना इधर मैंने सिंस यूज किया है फॉर अ सिंपल रीजन इधर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है जैसे वो कभी से रह रहे हैं 1980 से ठीक है और अगर वही सेंटेंस में ऐसा लिखूंगा ही हैज फॉर 20 इयर्स फॉर क्यों यूज किया क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है कभी से रह रहे हैं पता है नहीं ना मुझे खाली ड्यूरेशन पता है टाइम पीरियड पता है ना तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टाइम पीरियड क्या यूज करेंगे ड्यूरेशन की बात होगी तो फॉर और अगर स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो सिंस तो इसमें ड्यूरेशन है स्टार्टिंग पॉइंट है डेकेड यानी 10 साल ना तो पीरियड बताया गया मुझे तो क्या आएगा उधर फॉर आएगा How many sentences done? Eight.
दिस अगेन शुड बी वेरी इजी. तो खाली हाथ ऊपर करो प्लीज. This was also done in the previous lecture. Just raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, good. PP, forgot. They could turn your pages and see. Bahut easy concept hai. Ashisha can't recollect. आप बोलिए. क्या आएगा? फैन आएगा खाली. ओके, एरर बराबर है लेकिन थोड़ा. हाँ, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के लिए पॉलिसी लाइक हम लोग बोलते हैं. राहुल कार बोल सकते हैं, कार राहुल की है. ठीक है भाई, बिकॉज इट इज अ लिविंग थिंग. लेकिन नॉन लिविंग थिंग में हम लोग कभी एपोस्ट्रोफी नहीं देते. पोजीशन, ये पोजीशन है ना, ये फैन का ही ब्लेड है ना, इट इज अ पोजेसिव केस डेफिनेटली. करेक्ट ना, वो ब्लेड किसका है? पंखे का है. लेकिन ये इंडिकेट कर एपोस्ट्रोफी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं दे सकता हूं. फिर व्हाट शुड आई राइट? ब्लेड ऑफ द फैन. आई कैन राइट फैंस ब्लेड. खाली थोड़ा कॉन्सेप्ट घुमा के लिखना पड़ेगा, ब्लेड ऑफ द फैन. ओके, तो जस्ट रिमेंबर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए वी डोंट यूज एपोस्ट्रोफीज. Finished. You should understand that ethics make the basis of good life. Bolo, anything wrong with this?
Yes. 1, 2, 3, 4. You give it one. So B part. Yes. B part. Okay. Kya makes why? Because ethics is a singular. Yes. Good. Singular plural. I'll just repeat this. Huh? I mean, those one you just have to answer this. He ke saath kya aayega? They ke saath kya aayega? With S or without S? With S. Correct na? Aise bolte na. Now he singular hai ya plural hai? He is singular. Sings. Plural, singular. Divided in opinion. Say singular with S singular pakka na okay khali yaad rakho nouns ke liye na jo concept hai na S wala that is only true for nouns jo topic chalu hai wohi boy ka boys hota hai na girl ka girls hota hai na to isme plural ke liye kya kiya maine S add kar diya but this is only true for nouns जब वर्ब की बात होती है बिल्कुल अपोजिट होता है वर्ब के साथ एस होता है तो इट इज सिंगुलर समझ में आया कोई भी वर्ब के साथ एस होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ये कॉन्सेप्ट दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा समझ में आया तो दिस इज माय प्लूरल सब्जेक्ट तो मैं वर्ब विल आल्सो बी प्लूरल ठीक है नाउ इसमें वी शुड अंडरस्टैंड दैट एथिक्स एथिक्स सिंगुलर है या प्लूरल है फिजिक्स होता है मैथमेटिक्स होता है वैसे एथिक्स है ना सब्जेक्ट है तो इट्स क्या एस है लेकिन इट्स सिंगुलर तो अगर ये सिंगुलर है तो अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ब भी सिंगुलर चाहिए ना तो वर्ब सिंगुलर यानी विद एस ना सिंगुलर वर्ब यानी With S, समझ में आया तो इट शुड बी मेक्स नॉट मेक क्लियर है ये तो अभी आपका वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा नहीं हो गया
Now, this has been asked already. 2016, the question. The management committee was divided in their opinion. कुछ गलत लग रहा है इसमें? Tell me the part. Yes, okay. तो क्या है गदर? Its opinion. फिर PHERE. PHERE. अच्छा क्या डिफरेंस है? I'll just clear this. अच्छा इसके बाद प्रोनाउंस दूंगा तो ये और क्लियर हो जाएगा. क्या डिफरेंस है दोनों? और सेकंड वन प्लेस के लिए ही वाज गोइंग ओवर देयर, वो उधर जा रहा था, तो दिस देयर ये पोजीशन इंडिकेट करते हैं और ये पॉजिटिव केस है, लाइक इट इज देयर कार. इट इज देयर कार का मतलब क्या हो गया? कार उनकी है ना, तो ये दिस इज फॉर पोजीशन एंड दिस इज फॉर प्लेस. ओके, तो इसमें पोजीशन है ना, ओपिनियन उनके है, तो ऑफ कोर्स दैट विल करेक्ट. और आएगा पुटे और पहले हमारे और. ओके, करेक्ट करेक्ट. कमिटी क्या है? व्हिच टाइप ऑफ नाउन? कमिटी कलेक्टिव नाउन है. कलेक्टिव नाउन्स नॉर्मली कैरी सिंगुलर वर्ब. ओके, लाइक हाँ करेक्ट. द कमिटी इज मीटिंग बोलते हैं ना, या the committee has decided or the committee have decided? The committee has decided, we say na, has the committee has decided. Theek hai, ye main singular verb use kar raha hu kyunki isko hum log ek single unit, committee mein bahut sare, there can be 8 or 10 people, correct na, lekin wo ek single unit jaise function kar rahe hai na, to isko main singular noun jaise count karunga. Lekin isme different kya hai, the management committee divided in their opinion. Abhi suppose there are 10 members, तो पांच जन अलग सोच रहे, तीन जन अलग सोच रहे और दो जन अलग सोच रहे, तो ये डिवाइड हो गया ना, तो ये स्प्लिट अप हो गया, करेक्ट ना. इसमें दे वर नॉट स्प्लिट अप, दे वर ऑल इन द सेम डायरेक्शन, तो इसलिए ये दिस विल कैरी अ सिंगुलर वर्ब. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वो कमिटी जो एक कमिटी थी, एक यूनिट, अभी अलग अलग स्प्लिट अप हो गया क्योंकि हर एक कोई अलग अलग सोच रहा है ना. तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्प्लिट अप, इट विल कैरी अ प्लूरल वर्ब. वो आएगा, समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो नॉर्मली सिंगुलर ही होता है, लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिवीजन तो प्लूरल हो जाएगा उधर. ओके, so this will be verb. वैसे अटेंडेंस सर्कुलेट किया हूँ, सर्कुलेट कर दूँगा. फिनिश ऑल ऑफ यू. Thank you.
दिस आल्सो शुड बी इजी अगर रूल नहीं पता है तो भी थोड़ा पढ़ने को वो ऑड लग रहा है जस्ट रेज योर हैंड्स अगेन 1 2 Only 2 persons. अगर आप पढ़ोगे ना तो भी you will find something is wrong. वो सुनने को ही सही नहीं लग रहा है कानों को. मिला बोलो गिव अ ट्राई आता है ना न्यूज में न्यूज ही होता है न्यू नहीं होता न्यू ये टोटली मीनिंग चेंज हो जाएगा ना न्यू का मतलब क्या होता है नया और न्यूज यानी जो समाचार होता है तो ये न्यूज की बात हो रही है ना अभी भी किसी को नहीं मिला ओनली 2 persons बोलो वॉज आएगा उधर क्यों सिंपल रीजन है क्यों न्यूज है ना ये जो व्हाट वाज वेरी एनकरेजिंग मैंने आंसर ही बोल दिया व्हाट वाज वेरी एनकरेजिंग व्हाट न्यूज न्यूज के बारे में बात कर रहे ना द मोरल ऑफ द आर्मी वाज वेरी हाई क्यों हाई था क्योंकि न्यूज उधर से जो आ रही थी बहुत एनकरेजिंग है ना अच्छी न्यूज आ रही थी इसलिए आर्मी का मोरल बढ़ गया तो ये न्यूज सिंगुलर है या प्लूरल है न्यूज सिंगुलर ही होता है ठीक है लाइक मैथमेटिक्स फिजिक्स इनिंग्स न्यूज तो दिस इज जस्ट अ सिंगुलर नाउन तो अगर ये सिंगुलर है ये वर आएगा क्या वॉज आएगा सिंगुलर के साथ हम लोग वॉज यूज करते हैं ना तो न्यूज वॉज एनकरेजिंग न्यूज वर एनकरेजिंग ओके list The majority likes reading sensational. Sir, वो reading के बाद क्या लिखा है? Sensational, S-E-N-S-A-T-I-O-N-A-L. The majority likes reading sensational stories and watching Western movies. Like? Yes, good. Mila, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okay, bolo, try karo. Sir, aap pe like ka like hoga.
हाँ रीजन मेजोरिटी का मतलब क्या होता है इट्स सिंगुलर और प्लूरल प्लूरल है ना बहुत जने तो दिस इज अ प्लूरल तो अगर ये प्लूरल है तो उसके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार वर्ब भी क्या आना चाहिए प्लूरल आना चाहिए ना प्लूरल है लाइक समझ में आया ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एग्जांपल ओके तो मेजोरिटी लाइक आएगा Finished? Using try this. Just raise your hands again. So, in a using के बाद क्या है? In using a fair means, F-A-I-R, fair, M-E-A-N-S means. He never believes in using a fair means because it is not acceptable in this materialistic world. Mila? 1, 2. So fair means. Yes, 4, 5, 6. Others, socho jara. Actually, you got it? Achha, boli the answer. Chalo, bolo, tell the complete why. Because nahi kyun lekin fair means kyun hoga fair means mean kyun hoga means kyun nahi hoga ek simple sa reason hai acha ye mujhe bolo which one is grammatically correct upar wala या नीचे वाला दोनों में फर्स्ट वाला करेक्ट है ना तो क्या रूल सीखा इसमें से हाँ अ के बाद हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा जब भी अ आएगा दैट विल इंडिकेट कि सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए तो इधर भी वही है ना इधर आई एम यूजिंग अ उसके आगे सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही होना चाहिए ना इट शुड बी अ फेयर मीन तो जस्ट रिमेंबर जब भी अ आता है उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है सिंगुलर ही रहते हैं ओके
Done. So total, how many sentences we have done today? 14. I think this was just sufficient for this topic. Okay, rules be okay, sir. I'll move to the next topic, pronouns. But before that, I'll just do questions. Just try to get the answer. Of course, they are related to English only. Something different. Yeah, this topic is done and dusted. Okay, yeah, topic now. This is something related to word swap. Two questions came here, boss. So before putting up the next topic, तुम लोग का हो गया है word swap ना वैसे भी? How many of you done? 1, 2, 3, 4. Only 4 people. बाकी लोग का नहीं हुआ है? You're done ना? Energy नहीं बची अभी उतनी. अच्छा, यू कैन सी द एंटायर स्क्रीन ना, जस्ट देखो ना, एंटायर स्क्रीन दिख रहा है ना, यू कैन रीड ना? यस सर. ओके, ब्रिंग्स अप द रेयर, REAR, रेयर ऑन द ओवरऑल हेल्थ प्रोग्रेस. महाराष्ट्र की बात कर, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र जॉइन केरला एज द अदर टॉप परफॉर्मर्स.
write the options also. अच्छा, those who are doing it for the first time, क्या करना है पता है ना? Words जो मैंने underline किए ना, they can be wrongly placed. जैसे कितने words underline किए? 4 ना? 4 words are highlighted. They are wrongly placed in the statement. तो आपको वो swap करना है, change करना है. यानि C के जगह A जा सकता है या A के जगह B जा सकता है. And then you have to form a meaningful sentence. ये places interchange करने हैं जो मैंने bold में लिखे letters. Options, there are options to help you out. Fourth AC. Okay. Confused, Chandni. पहले समझ में आया ना क्या करना है? तो just ये जो 4 words है ना, 1, 2, 3, and 4, वो कल ही तो swap करना है, change करना है उनका positions to make a meaningful sentence. Same thing. अश्लेषा, any options? इसमें इच्छा मतलब क्या आएगा? एसी, ओके. एसी अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन पॉलिटिकली इधर इंपॉर्टेंट आ जाएगा और नेशनल इधर आ जाएगा ना, करेक्ट. मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ. तो अभी क्या होता है, पॉपुलेशन पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश मेक्स अप द रियर ऑफ द ओवरऑल हेल्थ प्रोग्रेस विद अ लो स्कोर ऑफ 28.61 बाय द नेशनल लीडर. Kerala scored 74.01, Andhra Pradesh and Maharashtra joined Kerala as the other top performers with the additional distinction of making incremental index. Could be something is wrong. Socho. B or? B and D. Health index, suna hai na? ये नहीं वर्ड सुना है, कॉम्बिनेशन. हेल्थ इंडेक्स भी होता है ना, अभी इंडिया का रैंकिंग मुझे पता नहीं है लेकिन बहुत नीचे है हेल्थ इंडेक्स में, करेक्ट ना? हेल्थ इंडेक्स होता है तो इधर ये वेस्ट में दैट वर्ड गॉन, हेल्थ वाला. हेल्थ
इसके साथ हेल्थ इंडेक्स आना चाहिए ना, करेक्ट ना. पॉपुलेशन पॉलिटिकली इंपॉर्ट उत्तर प्रदेश ब्रिंग्स अप द रियर ऑन द ओवरऑल हेल्थ इंडेक्स. द लो दैट स्कोर की भी बात की गई ना, तो ये स्कोर किस पर रहेगा आपको, हेल्थ इंडेक्स में रहेगा ना. दैट स्कोर विल बी ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टेड इन द हेल्थ इंडेक्स. तो हेल्थ इंडेक्स इधर आना चाहिए विद इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस फ्रॉम द बेस ईयर्स. इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस होता है ना मैथ सूट, तो एक्चुअली दिस आल्सो शुड बी रिप्लेस्ड विद इंडेक्स एंड इंक्रीमेंटल के साथ प्रोग्रेस. तो क्या होगा राइटफुल ऑप्शन फिर, नन ऑफ दीज, क्योंकि खाली एसी है ना, बीडी इज नॉट देयर ओनली. तो द राइट ऑप्शन विल बी नन ऑफ दीज. समझ में आइए ऑल ऑफ यू. हो गया लिख के, इट्स योर राइटिंग, लिखो लिखो, हो गया. So let's start with the next topic. Pronouns nahi hua na tum logo. What is a pronoun basically? Pronoun क्या होता है, की यूज करते हैं नाउन को रिलेट करने के लिए, रिप्रेजेंट सम मोर प्रॉपर वर्ड, रिलेट या रिप्रेजेंट से ज्यादा. हाँ इसमें कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है. राहुल इज अ नाउन ऑफ कोर्स ना, और प्रोनाउन कौन सा है, दिस इज माय प्रोनाउन. अभी ये मैंने क्या किया, रिप्लेस किया ना, इट इज यूज टू रिप्लेस. ठीक है, ये ही है वो किसके किसके जगह पे यूज किया मैंने, राहुल. तो राहुल इज कॉल्ड इसी को तो प्रोनाउन बोला ना मैंने, तो राहुल इज कॉल्ड एज अ एंटीसीडेंट. यस, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट. तो एंटीसीडेंट क्या होता है, जिसके जगह पे मैंने प्रोनाउन यूज किया उसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं. ठीक है, क्लियर है ये. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर बेसिकली, एट. बोलो आटो क्या आटो, एटलीस्ट गिव अ ट्राई. हाँ हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव, यस. And अच्छा लिखो पहले प्रोनाउंस. हाँ सॉरी, हाँ बराबर है, बोलो. इंडेफिनेट प्रोनाउंस, गुड. बिना देखे बताया, देखे बताया. ठीक है, लिखो प्रोनाउंस, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस पहले लिखो, लिख लो, बाद में आई विल एक्सप्लेन ईच ऑफ देम. प्रोनाउंस लिखो, उसके नीचे लिखो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. फर्स्ट वन लिखो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल लिखा है.
examples I be, I be, us, he, she, etc. Example. I, we, us, he, she, etc. Second one likho, reflexive. Reflexive. बोलो रिफ्लेक्सिव में सेल्फ ऐड करना कोई भी प्रोनाउन है ना लाइक हर के आगे सेल्फ जोड़ा हर सेल्फ हिमसेल्फ माय सेल्फ तो माय सेल्फ हिमसेल्फ एग्जांपल्स माय सेल्फ हिमसेल्फ हर सेल्फ द नेक्स्ट वन थर्ड टाइप डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव अच्छा अभी इंग्लिश में कुछ चीज पॉइंट आउट करनी है मुझे तो विच वर्ड्स आई यूज कोई चीज पॉइंट आउट करनी है तो व्हाट इट एंड दैट दीज करेक्ट ना तो लिखो दैट दिस दीज एंड दोज टी एच आई एस दीज एंड टी एच ई एस सी नेक्स्ट वन इनडेफिनेट Definite pronoun. One examples. One in. Anyone. All. None. No. Any. None. Etc. उसके बाद फिफ्थ है ना इज द फिफ्थ वन डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एग्जांपल्स ईच एवरी आइदर नाइदर द नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स Reciprocal pronouns. Reciprocal. Reciprocal. Maths में होता है reciprocal. Example, each other, one another. दो ही है इसमें. Each other and one another. After that, relative. Relative pronouns. Examples, who, whose, whom, 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 which, what, etc. And the last one is interrogative. Interrogative pronoun. The same words with a question mark. Who? आगे क्वेश्चन मार्क होम के आगे क्वेश्चन मार्क जो रिलेटिव है वही बट दे आर ओनली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन तो जस्ट पुट अ क्वेश्चन मार्क हु के आगे क्वेश्चन मार्क हूज के आगे क्वेश्चन मार्क एंड सो ऑन अच्छा ये लिख लो ना एंटीसीडेंट क्योंकि ये वर्ड बार बार लगेगा मुझे ये एग्जांपल भी लिख लो प्लीज हर टाइम आई विल नॉट बी रिमाइंडिंग यू एंटीसीडेंट क्या होता है पता होना जरूरी है
तो क्या लिखा है? प्रिट ए एन टी ई. अच्छा मैं लिख देता हूँ, ये वाला वर्ड चाहिए ना. हाँ वो नाउन के बाजू में एंटीसीडेंट इधर लिख दिया मैंने. The first type कौन सा है? Which is the first type? Personal ना? Personal. What does the word personal mean? Personal का मतलब क्या होता है? खुद का ना? ठीक है? Basically there are three types of persons in this. You don't tell. बाकी लोग जो उसने भी attend किया. कितने type के persons होते हैं? Three types. Yes, first person, second person and third person. Now who is the first person, who is the second person and who is the third person? I, okay. In other words, in short, वो तो examples हो गए ना. I am speaker. अभी इधर ये रूम में कौन बात कर रहा है? मैं है ना. So I will be the first person. The listener will be the second person. फिर third person. इसके बारे में बात कर रहा हूँ. I'll just address. ये सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है? आई इज द फर्स्ट पर्सन, आई एम द स्पीकर, यू विल बी द सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ठीक समझ में आया ना ये? ओके अच्छा ये लिख लो ना, जस्ट फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, दिस इज द लिसनर एंड थर्ड पर्सन ऑफ कोर्स. फर्स्ट पर्सन में कौन से वर्ड्स आएंगे, कौन से प्रोनाउंस आएंगे फर्स्ट पर्सन में? एक तो आई आएगा डेफिनेटली, और वी, अस, और एनीथिंग एल्स, ये भी आएगा. और करेक्ट ना, सेकंड पर्सन में यू, योर, और कुछ आएगा सेकंड पर्सन में? सेकंड पर्सन में यही दो वर्ड्स आते हैं. ओके थर्ड पर्सन, ही, शी, दे, देम, करेक्ट ना? जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस आल्सो, एग्जांपल्स.
काय झालं रे मध्येच फ्रेश ना So you are not audible. It pronoun है या नहीं है? Why thinking so hard? Yes, pronoun sir. Pronoun है ना, definitely है ना. तो खाली negative way में पूछेगा तो you get confused. क्या give me an example with it किसके लिए use होता है? नॉन लिविंग थिंग एक और मतलब जेंडर इज नॉट स्पेसिफिक ओके लाइक बेबी बेबी के लिए हम लोग इट यूज करते हैं ना एंड व्हाट एल्स समटाइम्स और व्हाट समटाइम्स कभी यू सेड नॉन लिविंग थिंग्स सॉरी एनिमल्स या एनिमल्स के लिए भी होते हैं ना जैसे कैट वगैरह के लिए आई सॉ द कैट इट वॉज हाइडिंग बिहाइंड द बुश तो इसमें इट मैंने किसके लिए यूज किया कैट के लिए ठीक है एनीथिंग एल्स तो जब जेंडर स्पेसिफिक नहीं पता है दैट टाइम फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड फॉर एनिमल्स ओके जस्ट मेक अ मेंशन ऑफ दैट और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या क्या यूज होते हैं अपार्ट फ्रॉम इट एनीथिंग एल्स दैट यस और दिस एंड मोर देन दैट और भी है कुछ वर्ड्स I'll tell you when abhi khali itna likho it is used for non living things when the gender is not known and sometimes for animals Okay, so now there are 8 type of pronouns. 8 है ना? So all of them have got a separate set of rules. ठीक है? So that we'll study in the next lecture only. Yeah? And after that we'll of course do some error spotting based on that. ठीक है? So we'll end the lecture over here only right now. Thank you.